गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। दशकों से राज्य की सत्ता से गायब कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर है। कांग्रेस के 6 विधायक टूटकर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये विधायक वित्तीय सहायता उपलब्ध न कराने की वजह से पार्टी से नाराज हैं और जल्द ही भाजपा का दामन थाम लेंगे। सौराष्ट्र क्षेत्र के इन 6 विधायकों ने चुनाव के लिए बड़ी वित्तीय सहायता मांगी थी, लेकिन पार्टी के उसे अनसुना करने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। विधायकों का कहना है कि कांग्रेस फिलहाल उनकी मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और अब वे पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक भावेश कटारा, चिराग कलगरिया, ललित वसोया, संजय सोलंकी, महेश पटेल और हर्षद रिबाडिया पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से मिल चुके हैं और उनके जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। 6 में से 4 विधायकों के पाटीदार समाज से होने के कारण कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा और काफी हद तक उसका चुनावी अभियान प्रभावित होगा। भाजपा नेता हार्दिक पटेल के पूर्व करीबी ललित वसोया पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए थे और कांग्रेस के सबसे मुखर और आक्रामक विधायकों में से एक थे और सौराष्ट्र में जमीनी स्तर पर अच्छा खासा समर्थन हासिल करते थे। बता दें कि इससे पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने गुजरात कांग्रेस के नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का भी कहना है कि धन की कमी पार्टी को विभिन्न स्तरों पर मुश्किलों में डाल रही है। उन्होंने कहा कि फंड की कमी से कांग्रेस कई जगहों पर मुश्किलों का सामना कर रही है। 50,000 पोलिंग बूथ पर अगर हम चुनाव के दिन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक एजेंट को 5,000 रुपए भी दें तो वो अन्य 10,000 रुपए की तरफ देखेंगे जो उन्हें विरोधियों से मिल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा ना हो या सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास रुपए ही नहीं है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को यह दूसरा बड़ा झटका है। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता नरेश रावल और राजू परमार ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। वहीं इस खबर के आने के बाद कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत जल्द ही गुजरात पहुंच रहे हैं। गहलोत सूरत और राजकोट में पार्टी के दक्षिण और सौराष्ट्र क्षेत्र के नेताओं से मिलेंगे और बड़ोदरा और अहमदाबाद में मध्य और उत्तर क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।